हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे वॉनली जेल के बारे में। वॉनली जेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी लोगों ने पहले भी इसको यूज़ किया है और काफ़ी लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉनली जेल को मैन्युफैक्चर कौन करता है। वॉनली जेल को जो मैन्युफैक्चर करता है उस कंपनी का नाम है सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है। सन फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सालों से फार्मा इंडस्ट्री में है। इसके बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट आते हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये वॉनली जेल को मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका जो ट्यूब होता है, उसका जो 30 ग्राम का ट्यूब होता है, उसकी कीमत 130 रुपये होती है। उसके अलावा इसका जो छोटा ट्यूब आता है उसकी कीमत 65 रुपये होती है, यानी 65 रुपीज़ में आपको वो ट्यूब मिल जाता है। अब इसका मेन काम क्या होता है? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो रनिंग भी हो सकती है, कुछ घर के काम भी हो सकते हैं, या फिर और भी डेली की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम पर चेयर पर बैठे रहें तो उनको कमर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आपके दर्द और जकड़न में ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी अगर आपकी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर जगह पर आपको पेन हो रहा है तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब ये काम ऐसा अच्छा क्यों करती है, इसके अंदर ऐसा होता क्या है जो इसको इतना इफेक्टिव बनाता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो मेन पाया जाता है वो डाइक्लोफेनिक पाया जाता है। डाइक्लोफेनिक इसके अंदर होता है। उसके अलावा इसके अंदर मिथाइल सैलिसिलेट होता है। उसके अलावा इसके अंदर मैंथोल होता है। उसके अलावा इसके अंदर लिंसीड ऑयल होता है। तो ये मेन ड्रग्स होती हैं इसके अंदर जो इसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, इतना ज़्यादा कारगर बनाती हैं कि ये पेन और दर्द में इतना इफेक्टिव रूप से काम करता है। अब अगर हम बात करें इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको करना ये है कि आपको बॉडी में जिस भी एरिए में आपको दर्द हो रहा है, जिस भी पर्टिकुलर एरिए में आपको पेन हो रहा है, उस एरिए पर आपको धीरे धीरे हाथों से थोड़ा सा इसको लगाना है। बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने हाथ को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उस जगह पर आपको धीरे धीरे हाथों से इसको लगाना है। एंड लगाने के बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कपड़े से उसको ढक देंगे तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी और भी ज़्यादा इफेक्टिव रूप से ये उस जगह पे काम करेगा एंड आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। मसल्स पेन में जैसा मैंने आपको बताया वो करता ही है बहुत अच्छा काम। उसके अलावा नेक पेन भी होता है काफ़ी लोगों को, उसमें भी अच्छा काम करता है। उसके अलावा बैक एक होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको स्वेलिंग भी आ रही है, आपको दर्द तो हो जाए, उसके अलावा मान लीजिए आपको स्वेलिंग भी आ रही है और जॉइंट में भी आपके पेन है, तो उसमें भी आपके बहुत अच्छा काम करता है। अब आप इसको जेंटल तरीके से आप लगाइए, लेकिन मान लीजिए कि ये ट्यूब किसी ने आपको सजेस्ट किया है, लेकिन मान लीजिए वॉनली जेल आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कुछ अल्टरनेट मेडिसिन आती हैं, अल्टरनेट जेल्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका अगर हम बात करें तो DFO जेल आता है, आप DFO जेल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आयोडेक्स जेल आता है, आप आयोडेक्स जेल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओमनी जेल आता है, आप ओमनी जेल यूज़ कर सकते हैं। एल्डीजेसिक जेल आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओमनी जेल हॉट आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इसके अल्टरनेट हैं। ये सारे जो ट्यूब मैंने आपको बताए हैं ये आपके प्लेस पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपकी और भी कोई मेडिसिन चल रही है और भी कोई स्किन के ट्यूब आप लगा रहे हैं अपनी बॉडी पर, तो इसको लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन कर लीजिए। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन की कोई मेडिसिन चल रही है या फिर आप पर्टिकुलर स्किन की किसी मेडिसिन के लिए सेंसिटिव हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए। डॉक्टर आपको और बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपको ये ट्यूब यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वॉनली जेल के बारे में रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का या हेल्थ टॉपिक का रिव्यू आप चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।